फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज कोरोना और हंता वायरस की शादी की खुशी में जो चाइना से जो बारात निकली थी वो आज इंडिया में पहुंच गई है। एंड जैसे कि हम लोग भारत के निवासी हैं तो हम जानते हैं कि मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। तो हमने बारात का स्वागत बहुत धूमधाम से की, हमने पटाखे बहुत फोड़े, मतलब पूछे मत, मतलब दिल खुश हो गया ये प्यार देख के पूरा देश के प्रति, मतलब बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। बिग बॉस ने हमें कहा था कि थाली बजाओ, तो हमने क्या किया प्यार जाहिर करने के लिए, हमने सिलेंडर ही बजा डाला। इसके अलावा अब बिग बॉस ने कहा था हमें कि दिया जलाओ, तो हमने जो सिलेंडर को बजा रहे थे हम लोग उसे ही जला डाला। मतलब लोग सड़कों में कैंडल मार्च करने लगे, मतलब एकजुटता देख रहे हो आप सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब पूछे मत क्या तो कहे, मतलब अपने देश में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अब बिग बॉस कहेंगे हमें कि इसी देश के प्रति प्यार को जाहिर करने के लिए क्या हम लाल रंग निछावर कर सकते हैं अपने घरों से। एंड हाँ क्यों नहीं, हम लोग जरूर करेंगे, जरूर करेंगे हम लोग। उस दिन वादा करिए, लेकिन आप लोग उस दिन हम लोग मिलके होली खेलेंगे, मतलब सिर्फ लाल रंग क्यों, सब रंग खेलेंगे। और बाई चांस अगर लाल रंग अगर कम पड़ जाए ना, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मतलब अपने नस काट लेते तो थोड़ा लाल रंग वहां से भी बरामद होगा, या किसी के पेट में चक्कू ढाल देंगे तो वहां से भी बहुत लाल रंग बरामद होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना कुछ किया जा सकता है। मतलब ये हो सकता है कि हाँ के बिग बॉस कहें कि आज खाने में किडनी बीन्स की सब्जी बनेगी, तो हम लोग चाहे तो अपना किडनी निकाल के उसका ही सब्जी बना ले। तो क्यों नहीं, हम लोग देश के प्रति प्यार उमड़ उमड़ के दिखाएंगे। लेकिन जो भी हो, मैं इस देश का निवासी होने पे मुझे पूरा गर्व है। मतलब इतना ज्यादा गर्व किसी देश को नहीं होगा, मतलब किसी देश के निवासी होने में नहीं होगा जितना मुझे भारत के निवासी होने पे है। चलिए जाने से पहले आपको एक बार फिर से विश कर देता हूँ हैप्पी हैलोवीन।